हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कूलिंग सिस्टम ऑफ ए कूलर। सो लेट्स स्टार्ट। ये हम एक कूलर का सिस्टम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक कूलर होती है। ठीक है, इसमें ये हॉपर होती है, ये बैरल होती है। बैरल के ऊपर ही हीटिंग जोन होती है और उसी में कूलिंग सिस्टम भी होती है, जहाँ पे अगर एक्स्ट्रा हीट हो जाए तो उसके लिए कूलिंग सिस्टम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कूलिंग सिस्टम क्यों अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाई होती है, डाई के थ्रू प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, मटेरियल जो मोल्टेन मटेरियल होती है वो एज अ डाई के शेप का प्रोडक्ट बना के बाहर निकलता है। ठीक है, तो हम आगे कूलिंग सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो कूलर का पूरा फिगर है। ठीक है, इसे हम इस तरीके का अगर कोई मशीन दिखे, ठीक है, तो मोस्टली एक कूलर ही होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कूलिंग टाइप्स ऑफ, कितने टाइप के कूलिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो बैरल कूलिंग होती है, हॉपर कूलिंग होती है, स्क्रू कूलिंग। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले बैरल कूलिंग के बारे में बात कर लें। ये देखो, ये होती है बैरल। ठीक है, पहले बताया था ये बैरल होती है, अंदर स्क्रू रोटेट होती है, बैरल के ऊपर एक हीटर लगाई जाती है। ठीक है, ये देखो हीटर है, जो ब्लैक वाली ये है, जो डार्क ब्लैक वो हीटर है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मटेरियल अंदर जाती है बैरल में, तो क्या होती है कि मटेरियल मेल्ट होती है ड्यू टू हीटर की वजह से। ठीक है, मान लो कि एक्स्ट्रा हीट हो गया, ठीक है, अंदर, तो मटेरियल डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा हीटिंग की वजह से। तो उस एक्स्ट्रा हीट को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, ब्लोअर लगाते हैं बैरल बैरल पे, ताकि जो हीट है वो कॉन्स्टेंट रहे। ठीक है, ना ज्यादा हो ना कम हो। ठीक है, इसकी वजह से ब्लोअर लगाते हैं। बस कम तो होने के चांसेस कम रहते हैं, ज्यादा ही होता है, क्योंकि हम एक ही जगह पे हीट दे रहे होते हैं तो वो बढ़ता ही जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से मटेरियल डिग्रेड होता है, इसकी वजह से ही लगाते हैं। ठीक है, ताकि हीट को रोक सके, तो उसी पे मेंटेन रखे हीट को जितना हमें चाहिए। ठीक है, और भी इसमें कूलिंग सिस्टम अप्लाई करते हैं ब्लोअर के अलावा भी, वो भी होता है, बट मोस्टली केस में ब्लोअर ही यूज करते हैं। सिंपल और सस्ता होता है इस वजह से। ठीक है, और भी बैरल कूलिंग में होती है, जैसे कि चैनल के थ्रू बैरल में एक वाल चैनल चैनल वाल बना देते हैं, जिसके थ्रू कोई या तो कूल्ड वाटर उसमें यूज करते हैं या फिर नॉर्मल वाटर यूज करते हैं, ताकि बैरल कूल रहे। ठीक है, या फिर स्प्रे उस पर करते हैं, बैरल पे हल्का हल्का स्प्रे करते रहते हैं, जिसकी वजह से बैरल का टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है, या फिर वेपराइज लिक्विड यूज करते हैं, जो वेपराइज लिक्विड बैरल बैरल के अंदर बैरल में एक चैनल बना देते हैं, जिसमें वो चैनल के थ्रू वेपराइज लिक्विड फ्लो होती है, जिसकी वजह से बैरल का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। ठीक है, और कॉपर ट्यूबिंग भी यूज करते हैं, बैरल के ऊपर कॉपर ट्यूबिंग कर फिक्स कर देते हैं, कोल्ड वाटर फ्लो होता है, उससे भी बैरल की टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब होती है हॉपर कूलिंग। क्या होती है हॉपर कूलिंग? बेसिकली हॉपर थ्रोट पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि हॉपर बेसिकली हॉपर मेन फंक्शन होती है कूलर की। ठीक है, तो हॉपर थ्रोट पे इसलिए अप्लाई करते हैं, जैसे मान लो कि हॉपर में मटेरियल होती है, हॉपर से मटेरियल फिट जोन में जाती है। ठीक है, और फिट जोन में भी मटेरियल मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो अगर मान लो कि जहाँ पे हॉपर से मटेरियल फिट जोन में जा रही है, वहीं पे मेल्ट होके वहीं पे मटेरियल रुक जाए, तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे एक ब्रिज बना देगा। ठीक है, और हॉपर की मटेरियल को और अंदर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो इसकी वजह से वो ब्रिज ना बने और मटेरियल की कमी ना हो, प्रोसेस में प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से वहां पे हॉपर थ्रोट पे कूलिंग सिस्टम अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये भी होता है, हॉपर में रबर पार्ट्स भी होते हैं, उसको भी कूलिंग सिस्टम जो होती है वो प्रिवेंट करती है। ठीक है, आई होप हॉपर कूलिंग भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात करते हैं स्क्रू कूलिंग की। स्क्रू कूलिंग क्या होती है कि जैसे कि मान लो कि स्क्रू रोटेट होता है बैरल के अंदर, क्या होता है, सीयर हीट भी जनरेट करता है। ठीक है, स्क्रू, जिसकी वजह से क्या होती है कि एक्स्ट्रा हीट जनरेट हो जाती है। ठीक है, बैरल में, एक तो बैरल पे भी हीट अप्लाई हो रही होती है बाहर से, और अंदर स्क्रू रोटेट हो रहा होता है, तो स्क्रू और मटेरियल के बीच में शेयर हीट जनरेट हो जाती है, क्योंकि मटेरियल भी स्क्रू के थ्रू रोटेट हो रहा होता है,
और मेल्ट भी हो रहा होता है मटेरियल, ठीक है। तो ये शेयर हीट, शेयरिंग हीट जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा हीट हो जाती है, ठीक है। एक्स्ट्रा हीट को प्रिवेंट करने के लिए स्क्रू कूलिंग यूज करते हैं, ठीक है। आई थिंक आप फिगर देखोगे तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा कैसी होती है। जैसे कि ये देखो, ये स्क्रू होती है, ठीक है, ये बैरल के अंदर होती है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, इनलेट होता है, जो भी लिक्विड होगी, वाटर भी यूज करते हैं और ऑयल भी यूज करते हैं स्क्रू कूलिंग के लिए। इस यहाँ से लिक्विड इंसर्ट हो रही है और यहाँ पे दोनों साइड में निकल जा रही है स्क्रू, जो लिक्विड होती है इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है। तो ये दोनों आके यहाँ पे एक जगह पे मिलती है, आउटलेट हो जाती है यहाँ से। फिर यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। ये भी अंदर स्क्रू के अंदर फ्लो होता रहता है जो भी लिक्विड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कूलिंग, स्क्रू कूलिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है। और बेसिकली कूलिंग, आई थिंक आपको समझ में आ ही गया वो कूलिंग बेसिकली क्यों यूज करते हैं। अगर एक्स्ट्रा हीट हो गया है, ठीक है, तो उस एक्स्ट्रा हीट को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे हम जो हीट अप्लाई कर रहे हैं उसी हीट पे मेंटेन रहे, उस मेंटेनेंस को रखने के लिए हम कूलिंग सिस्टम अप्लाई करते हैं एक्सट्रूडर में, ठीक है। क्योंकि एक्सट्रूडर में क्या होती है, जो भी हीट होती है, हीट हम देते हैं, तो एक जगह पे कंटिन्यूअस हीट अगर होती है तब भी हमें पता है कि अगर एक जगह पे कंटिन्यूअस हीट अगर आप अप्लाई करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से जब ज़्यादा हीट जनरेट होगी तो मटेरियल डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो स्क्रू होता है वो भी रोटेट होता है, जिसकी वजह से शेयर हीट जनरेट होती है, उसमें भी एक्स्ट्रा हीट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी कूलिंग सिस्टम अप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि जो हीट है वो मेंटेन रहे। बेसिकली कूलिंग सिस्टम इसीलिए अप्लाई करते हैं कि अगर 150 टेम्परेचर पे हमने हीट रखा है बैरल पे, तो वो उसी 150 पे ही मेंटेन रहे, ठीक है। इसी वजह से कूलिंग सिस्टम भी इसमें अप्लाई करते हैं, और कूलिंग सिस्टम का बहुत ही बड़ा यूज होता है इसमें एक्सट्रूडर में, ठीक है। थिंक कूलिंग सिस्टम भी आपको समझ में आ गया होगा कूलिंग सिस्टम क्या होती है, ठीक है। और भी कुछ अगर प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, और किस टॉपिक पे और मैं वीडियो बनाऊं वो भी कमेंट करके बताएं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, ओके।